नहीं आगे की दो रो प्लीज फिल इट अप। आप सुखी रखोगे तो ही आप शांति रहते जिंदगी। ये मेरा अनुभव एट एज ऑफ 65 रियलाइज है। लेट हुआ थोड़ा। अभी जो मैं लायबिलिटी और ये जो कर रहे हैं ना खाली मिसेस के लिए कर रहा हूँ, मेरे को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, मगर इट इज अ चार्मिंग बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल एंड देयर इज अ वुमन बोलते हैं पता है। तो हमारे दादा परदादा सुखी क्यों थे पता है? उनको दो दो तीन तीन बीबी थी। तो फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, हमारे मैं बकस नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ शेट्टी करके दोस्त है दाखो जब मिले थे। मेरी बात सुनो ललित भाई, बात सुनो, फैक्ट 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 बोल रहा हूँ। नहीं नहीं मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सुनो ललित भाई मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यहाँ शेट्टी करके आईटी का इंजीनियर है, वेल प्लेस है, 75 उम्र का डैडी है, कंफर्टेबल है, वेरी हेल्दी है, ऐसे बात चल रहा था जाकर में। तो उनके डैडी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बोल रहा हूँ मैं, आई हैव प्रूव इट जिसने कहा आज से आपको पहचान करके दूँगा। तो उनके डैडी इसके फूफे के लिए मतलब उनके बहन के लिए प्रपोजल देख लें, उड़पी में गांव निकल गए, गांव में गए तो पुराने गांव में कैसे रहते हैं, ऐसे फोटो रहते हैं, भगवान का फोटो रहता है, दादाजी का, परदादा जी का, अपने गुरु का फोटो रहते हैं। और वो शान से बोलते मेरे दादाजी ऐसे थे, वो ऐसे थे, उठक मूछ मूछ वाले, उन्हें फोटो नहीं थे मगर हाथ से बनाते। तो उसने देखा चला ये फोटो तो नाम देखा तो बोला मेरे पिताजी का फोटो है, तो ये क्या बात है? अब ये सिटी का बात बोलता हूँ, बकस से कर रहा हूँ, आई एम टेल एक्सप्लेन यू रियल फैक्ट। तो बोला ऐसा कैसा है? तो फिर पूछा ये क्या करते थे? पता नहीं, ये ट्रेडिंग करते थे। वो टाइम जमाने में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कोई गांव में जा तो रास्ते नहीं थे, बारिश की सवाल थी, तो एक एक साल चीजें बना रहना पड़ता था, तो होटल भी नहीं थे, तो वो लोग उनके घर पर रहते थे और उधर ही घर बना लेते थे। तो ऐसा हो गया तो फिर उन्होंने पूछा कुछ नहीं, फिर बोलो नहीं अपना अपना रिश्ते में कैसा करेगा, हम तो मुसलमान थोड़ी ही है। फिर वो दूसरे गांव गए, उधर देखा तो उनका दादाजी है, उधर दादाजी का फोटो है। बोला ये क्या बात है, उनको समझ नहीं गया। फिर उनका कम्युनिटी है साउथ का, उधर सांताक्रूज में क्लब है, विटी में जाओगे तो उनका केरला वाला का क्लब है, वो क्लब में वो लोगों ने बोला चला ये क्या चल रहा है। उधर देखा मेरा डैडी का उधर एक घर है, उधर एक पोता पिता ग्रैंड फादर का दो तीन घर है, ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने बोला वो टाइम ट्रेडिंग करना पड़ता था, घर वाले जो है ना बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वापस आ रहे रहते उधर ही रहते थे, होटल नहीं थे, किसी घर पे रहते थे, उधर ही घर जमा लेते थे। और वो लोग प्राउड से बोलते थे मेरे दादाजी है घर पर, हम लोग शर्माते हैं, वी आर वेरी अनफेयर पीपल, वी डू अफेयर बट वी ट्राई टू हाइड इट, समझा ना? इसलिए मैं बोल रहा था वो लोग बहुत सुखी थे। तो ललित भाई यू कैन टेक इट वेरी सीरियसली, थैंक यू वेरी मच। अरे वो उसके बारे में तुम्हें मेरे पास एक साइकोलॉजिकल एक ये आया था क्लाइंट है ना जी, वाइफ का मीनिंग होता है वरी इज इनवाइटेड फॉर एवर और सुखी की बात है वो विदाउट वरी लाइफ ही नहीं ना। अगर आप इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, टू लिव यू नीड अ ऑब्जेक्ट, कोई तो प्रोजेक्ट गोल चाहिए ना, राइट और रॉन्ग दैट टाइम विल डिसाइड, आपको कोई तो गोल चाहिए ना। तो और एक किस्सा बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग किस्सा सुना मेरे पास एक, आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे थे ना बड़ी वाइफ होने से कितना सुख रहते हैं, मुझे मेरा एक फ्रेंड था शिपिंग कॉर्पोरेशन शिपिंग में कंपनी में काम करता था, तो लिमिटेड स्टाफ था उसमें, उसके ये कलीग थी, उसको बहुत प्रॉब्लम थी साइकोलॉजिकल। तो मेरे पास वो लेके आया, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो पारसी कपल था और पारसी लोग बहुत कब इसमें रहते हैं ना, तो वहाँ मलबारी कहाँ रहते थे पुराने घर। तो वो लड़की जो छोटा लड़का उनके खेलने के लिए कोई छोटा लड़का था 8-9 साल का उसके साथ खेलते, ये लड़की जवान हो गई तो उसके उसको प्यार हो गया, उसको प्यार भी कुछ मालूम नहीं था, 9-10 का लड़का था। फिर दोनों जवान होने के बाद दोनों ने शादी कर ली, अब समझे शादी कर, तो ये 5-6 साल से लड़का छोटा है, बाप को बाप दादा की प्रॉपर्टी बिजनेस करा नहीं, ज़्यादा पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा रहता था। शी गॉट जॉब इन शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग कंपनी में मिला, तो उसके सैलरी के ऊपर घर चलता था, दो बच्चे हो गए, ऐसे घर चल रहे, घर था, इनकम कुछ नहीं था। और ये क्या करता था, वाइट पैंट वाइट शर्ट डाल के, उसके पास फिएट गाड़ी थी, खाली औरत को घर में छोड़ता था, अपना ऑफिस छोड़ता था, लेने आता था, और पूरा रात क्लब में ताश खेलता था।
बिल्कुल कमाई नजर नहीं था, बोले परेशान हो गए। तो उसने बोला अभी लड़के इसको सुधरेगा कैसे, खाली उसको गाड़ी चलाना आती तो कुछ नहीं करता। तो उसने न्यूजीलैंड सेटल होने के लिए क्या ऑस्ट्रेलिया सेटल होने डॉक्यूमेंटेशन दिया पीआर के लिए, वो डॉक्यूमेंट से क्लियर नहीं हो रहे। तो उनका मैं पूरा देखा, तो ही वॉज एंजॉइंग लाइफ। माँ जैसी औरत केयर करती थी, दो बच्चे थे, वो केयर करते, तो आई वॉन्टेड टू सी, मगर उसको मुझे मिलने का नहीं था। तो आप समझ रहे, बड़ी होने से आपको भी बहुत फायदा है और ये रियल फैक्ट है। मेरे दोस्त के इसमें ये कहानी थी, बोला आपने जो बोला सही बोला, अभी आपको नो विल फॉलो लाइक दिस। ये अपने बहुत ऐसे कपल है जिसकी बीबी बड़ी और जय सचिन तेंदुलकर, अंजलि मेहता, अंजलि मेहता। और एक इंटरेस्टिंग बात बोलो ललित भाई आपके लिए खास, आज सीनियर सिटीजन को बहुत डिमांड है। आज जितनी जितनी बड़ी एक्ट्रेस है वो सीनियर सिटीजन मैरिड रहेगा तो बच्चे रहेगा तो बेचते हैं। ललित भाई यू टेक इट वेरी सीरियस, क्योंकि सब जो सीनियर सिटीजन है उसके पास फंड्स काफी है, यंगस्टर के पास लोन है, यंगस्टर पर लोन है, मतलब यू आर गुड, यू आर द वेल्थ क्रिएटर पीपल। आपका डिमांड वो तो आपके ऊपर है, मगर आपको अभी आपको बहुत काफी डिमांड है, समझा। थैंक यू। प्लीज कम लिटिल अहेड, जरा आइए, क्लोज आइए, आई एम नॉट आस्किंग ओनली लेडीज, जेंट्स लोग भी आ सकते हैं, आइए। દીપનભાઈ છે આપણા, ઇઝ અવર ઓન મેમ્બર, ઇનફેક્ટ બિફોર આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ હિમ ઓફિશિયલી આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર ફ્યુ ઓફ માય આઈડિયાઝ। અને ઇસમે સબસે પહેલા આઈડિયા હૈ પાવર ઓફ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન। ટુડે આજ મેં પઢા કે અગર આપ ખુદ ડિસિપ્લિન હૈ તો આપકો મોટિવેશન કા કોઈ જરૂરત નહીં, મોટિવેશન કી સબ થિયરી ફેલ હૈ આપકે સામને, ક્યોંકિ યુ આર સેલ્ફ ડિસિપ્લિન। ઓર સેલ્ફ ડિસિપ્લિન મેં એસા હૈ કે યુ આર કોમ્પિટિંગ વિથ યોર સેલ્ફ, આપકે સાથ હી કોમ્પિટિશન કર રહે, તો ઇસમે આપકા ભલા હૈ ઓર યુ કેન કમ અપ વેરી ફાસ્ટ, ક્યોંકિ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન એસી ચીજ હૈ જો સિનિયર સિટીઝન કો તો લલિતભાઈ જૈસે કો તો બહુ ફોલોઅપ કરના ચાહીએ, ક્યોંકિ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન નહીં રહેગા તો યુ બિકમ વેરી લૂઝ। એવરી સક્સેસફુલ મેન ઇઝ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન, મોદી હૈ ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓર ઉસકે અલાવા અગર હમ લોગ દૂસરે સક્સેસફુલ મેન ફિલ્મ જગત કે ગિને તો અમિતાભ બચ્ચન હૈ, વો લોગ સક્સેસફુલ ક્યો હૈ, ક્યોંકિ વો દે આર સેલ્ફ ડિસિપ્લિન। તો દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ પાવર અટેચ ટુ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન। તો મેરા જ્યાદા લેક્ચર દેને કા મતલબ નહીં હૈ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ લેક્ચર અબાઉટ ઇટ, બટ ઓનલી થિંગ આઈ વોન્ટ ટુ એમ્ફસાઇઝ ઓર બોલના ચાહતા હું આપ લોગ કો બડે પ્રેમ સે બડે પ્યાર સે કે હમેશા સેલ્ફ ડિસિપ્લિન રહેંગે તો યુ આર 100% બાઉન્ડ ટુ સક્સીડ ઇન યોર લાઈફ ઇન વોટ એવર ફિલ્ડ યુ આર। અપને સામને એ એક્ઝામ્પલ બેઠા હૈ તો ઉસકે પીછે રાજ કી બાત વો બતાએંગે, લેકિન વન થિંગ ઇઝ દેટ કે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન લાઈફ, દેટ ઇઝ નંબર વન। Maybe for your body, for your exercise, for your day-to-day life, your spiritual life, your merit life, your friendship life, so many things are there. So, uske alawa, discipline is very, very important. That, and angrez ke zamane ke jo jailer hai, unke saath sikhna hai hum log ko, to discipline bahut sikhna zaruri hai. Kyunki hum log kuch bhi nahi sikhenge, sirf self-discipline sikhenge, to I think we'll achieve many, many, many more success and many, many acolytes will follow to us. That is about my sharing. Now, coming back to, because we have come to listen to Dipal Thakur, so photography ke bare mein mere ek thoda, I would like to share my own experience.
क्योंकि मैं जब सिद्धम कॉलेज में था तभी मैं डार्क रूम में ज़्यादा रहता था, क्लासरूम में कम रहता था। ऐसा हुआ कि आई वॉज सो मच अटैच टू फोटोग्राफी कि मुझे लगा फोटोग्राफी लाइफ है और कुछ लाइफ नहीं है। और फर्स्ट ईयर कॉमर्स में मैंने ऐसा स्टैंड था कैमरे का, उसको ऐसा एपेचर समझते हैं, कैमरा का एपेचर रहता है तो दबाने से खुला ही रहता है उसका लेंस। और तभी वो ज़माने में 1973 की बात कर रहा हूँ, वो ज़माने में फिल्म रोल्स आया करते थे, तो ऐसा स्टैंड पे रख के मैंने एपिचर से दबाया और हैप्पी दिवाली स्पार्कलर से लिखा, यानी वो जो फुलझड़ी रहती है उसे हैप्पी दिवाली लिखा। एंड द फोटोग्राफ आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स केम सो वेल, और फिर मैंने इलस्ट्रेटेड वीकली में भेज दिया और मुझे 50 रुपीज़ का प्राइज़ मिला। तो आई वॉज सो हैप्पी, हैप्पीनेस में आके भी इतनी हैप्पीनेस नहीं मिली, लेकिन तभी बहुत हैप्पी हो गया था। तो मुझे प्राइज़ मिला और इलस्ट्रेटेड वीकली में मेरा आया, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। सोचा अभी इसको एक करियर बना लूँ, लेकिन बाद में जैसे जैसे ग्रेजुएशन हुआ तो फ्रेंड्स लोग सब सीए की ओर जाने लगे, तो मेरा एक फ्रेंड बोलता है यार फोटोग्राफी में कुछ है नहीं, सॉरी दीपल भाई फोटोग्राफी में सब कुछ है, क्योंकि यू आर एक्सपोजिंग सो मेनी थिंग्स, यू कैन हैव एक्सपोजर फॉर सो मेनी थिंग्स। तो फिर मैंने बोला चलो हम लोग, आई मीन लव विथ फिगर्स, इनफैक्ट आई मीन डिजिटल फिगर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसा करके हम लोग वन मिनट, चेयर्स आर कमिंग। तो मैं सीए की ओर मुड़ गया और उसके बाद में मेरा थोड़ा बहुत लगाव तो रहा, लेकिन फोटोग्राफी फिर मेरा एक ड्रीम हो गया धीरे धीरे करके, बट आई स्टिल ट्राई टू फॉलो। और जब से डिजिटल फोटोग्राफी और फ़ोन में आ गया है तब से मेरा तो कुछ चलता नहीं है, क्योंकि आई फील कि भाई ये सब एक्सपर्ट लोगों का काम है। बट इसीलिए मैंने दीपल को पूछा, ही इज़ माई टीटी पार्टनर, तो उसने बोला अरे मैं आऊँगा ना, क्या नहीं आऊँगा, तो इज अ अवार्ड विनर। देखो अवार्ड विनर का एक क्वालिटी रहता है कि ही इज़ ऑलवेज रेडी, एंड सक्सेस गोज टू दोज हु आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड। तो जो प्रिपेयर्ड रहते हैं तो उनके पास सक्सेस हमेशा चल के आती है, दैट इज नंबर वन। सेकेंड, यू नो दीपल ने भी 1992 से अपना करियर शुरू किया, ही वॉज अटैच टू सो मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड ही हैज डन हिज 3 इयर्स डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। उसके बाद में ही हैज स्टार्टेड हिज करियर विथ फिल्म इंडस्ट्री, जैसे अजय देवगन का पिक्चर आया था तभी स्टिल फोटोग्राफ में ही इज़ अ मास्टर। इनफैक्ट काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं उन्होंने, जहांगीर आर्ट गैलरी में उनका फोटो का एग्जीबिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम होता रहता है। अभी तक उन्होंने 16 अवार्ड्स लिए हैं, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। 16 अवार्ड्स फोटोग्राफी में लेना, ये 17 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 17 अवार्ड लिए, तो रियली अ गुड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी। मेरे को तो कोई अवार्ड मिला नहीं, लेकिन इनको 17 अवार्ड मिल गए। 50 रुपये में अवार्ड नहीं मिलते, वो वाला बात नहीं है। एनीवे, तो 16 अवार्ड लेने के बाद भी सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, एक ही रिक्वेस्ट किया, ही इज अग्रीड टू कम, ही इज़ आवर ओन मेंबर। तो फोटोग्राफी कैसे लेना, कैसे उनको कलरफुल बनाना, कैसे उसको मैजिक कलर ऐड करना, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो वो हमारे से बात करेंगे। एंड ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है जो अपने आत्मा से कनेक्टेड है। इनफैक्ट वी नॉर्मली लुक एट द फोटोग्राफ, वी डोंट लुक इनटू द फोटोग्राफ। यानी इनटू द फोटोग्राफ का मतलब उसके पीछे कितनी मेहनत है। स्टिल फोटोग्राफ एक बनाते हैं तो उसके पीछे कितनी मेहनत है, वी लुक एट द फोटोग्राफ ओनली। तो वो हम लोग को देखना है। एंड जैसे बोलते हैं कि वन पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, तो माय क्वेश्चन टू दीपल इज दैट कि भाई हाउ इट इज़ 1000 वर्ड्स,
क्योंकि कोई कोई फोटोग्राफ तो ऐसे ही होते, कोई कोई फोटोग्राफ बहुत अच्छे होते, कोई कोई फोटोग्राफ एकदम कलरफुल रहते, और अभी वीडियोग्राफी का ज़माना है, तो व्हाट इज़ वीडियोग्राफी एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड विथ आवर डे टू डे लाइफ एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि आई वॉज रियली सरप्राइज, मेरे को मालूम नहीं था, थैंक यू वेरी मच. उन्होंने बोला कि मैनुअल मोड है अपने कैमरा में, मोबाइल में, उसमें तुम अपेचर भी खुला रख सकते. हमारा बात हो रहा था कि आई वॉज वंडरिंग कि इसमें अपेचर कैसे रहेगा, कैसे खुला रहेगा, बट इट सेज नो, देर इज़ अ मैनुअल मोड इन योर कैमरा और इन योर मोबाइल एंड यू कैन कीप योर मोबाइल अपेचर ओपन बाई प्रेसिंग इट कंटिन्यूसली ऑन मैनुअल मोड. बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग को बहुत सारा चीज़ जानना है. एंड वैसे अपने भरत भाई देसाई भी आए थे फोटोग्राफी के बारे में बताने के लिए, बट आई थिंक ही इज प्रैक्टिकल बिकॉज ही इज अरेंजिंग सो मेनी इवेंट्स ऑल्सो. ही इज वेल कनेक्टेड विथ मुकेश खन्ना, ही इज ऑल्सो वेल कनेक्टेड विथ मेनी अदर डिग्निटरीज एंड दे आर देयर क्लाइंट्स, और ही इज अटैच विथ फिल्म इंडस्ट्रीज, तो फिल्म इंडस्ट्रीज की रसीली और बहुत महत्वपूर्ण बात तो बताएंगे और बहुत मज़ा आएगा. You'll have a nice session. So with this, thank you very much. And I ask Pankaj bhai to take over. Discipline ke baare mein baad mein bolenge, because Deepal has got a program today. At 7 o'clock at MCF mein hi contract mila hai. Just see that how the things of charity work and the reward works together. Or without wasting much time, because he has to go there, 7 o'clock uska program hai, so he will be here for nearly 40-45 minutes with us. Loud applause for his two of his assistants also. I would ask Deepan to introduce them also, who has come and they are taking photographs. So over to Deepan. Hello, this is Sanjay Jain and Jay Sharan, and few are working over in the office. So, people naam hai mera, tasveer khichna kaam hai mera, smile please kehke hasana kaam hai mera, itna simple naam hai mera. My career started in 1997. It was just like bolte na mazak ke photography kaise आता है लाइफ में और फोटोग्राफ कैसे इम्पोर्टेंट होता है. मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और उसको बर्थडे में गिफ्ट करना था, तो मैं एक स्टूडियो में गया, तो मैंने बोला ऐसा ही कुछ फ़ोटो बनाना है मुझे. 97 में ही टुक 700 रुपीज़ फ्रॉम मी. वही दिन एक क्लिक शार्प हो गया, मतलब दिमाग में, मतलब 700 रुपया कभी 70 रुपया जेब में नहीं हुआ करता था, मतलब पॉकेट मनी स्कूल कभी. तो मैंने वो 700 रुपया स्पेंड किया, मैं बोला ये लाइन तो कमाने वाला है. और वो दिन से मुझे ये चांस मिला और मैंने स्टार्टिंग में एक हमारे एरिया में स्टूडियो था, वहाँ पे एज अ असिस्टेंट जॉब किया. देन गिरीश मिस्त्री करके एक लेजेंड फोटोग्राफर है, सारे एकेडमी चलता है उनका एट एल्फिस्टन हाउस, मैंने उनका वर्कशॉप किया फॉर 3 मंथ्स एंड देर आई केम फर्स्ट. और वहाँ पे मुझे जैसे पार्टिसिपेट किया था तो मुझे अवार्ड मिला. उसके बाद करियर शुरू हो गया. लेकिन वॉट इज़ फोटोग्राफी, एनीबडी नोज क्या है फोटोग्राफी? फोटो मतलब लाइट एंड ग्राफी मीन्स ड्राइंग. इट्स अ ड्राइंग बाय लाइटिंग. मतलब आपको जो भी चीज़ आज इतना इम्पोर्टेंट है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट. मतलब कि अगर हमको हमारी बचपन की यादें, कुछ जवानी की यादें दिख रही है, तो हम लोग कैसे रिकलेक्ट करेंगे? जस्ट बाय फोटोग्राफ. अगर हमारे पास वो फोटोज़ मिल जाता है, अगर हमारा बचपन का कोई दोस्त मिल जाता है, तो हमें ऐसा लगता है वाओ, वो पूरी फ्लैशबैक में चले जाते हैं हम लोग. तो फोटोग्राफी इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट. तो हमें फोटोग्राफ आज के ज़माने में फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ हो, वीज़ा हो या कोई भी हो, वेरी मस्ट. और उसको टेक ओवर किया है आज के ज़माने में मोबाइल ने. तो आज मैं आप लोग को बेसिक कुछ मोबाइल की टिप्स दे दूँगा कि आप लोग भी घर पे फोटोग्राफ कर सकते हो. फिर वीडियो के कुछ टिप्स दे दूंगा कि आप लोग वीडियो कैसे बनाना चाहिए, एक शॉर्ट मूवी कैसे होती है, एक शॉर्ट फिल्म कैसे होती है. मैंने स्टार्टिंग कैरियर जब किया तो फिल्म लाइन से मेरा स्टार्टिंग हुआ. टाइम्स भाई, उनके साथ में मैंने असिस्टेंट किया, फिर एज अ कैमरामैन वर्क किया. विजय पद, गैम्बलर, करण अर्जुन, ये सारी फिल्में मैं एज अ
स्टिल फोटोग्राफर था फिर, लेकिन वहाँ पे कैसा था कि एक टाइम का कोई बाउंड नहीं था। फिल्म लाइन में आप चले जाओ सुबह, रात को 2 बजे आओ, कोई वो नहीं था। तो धीरे 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 जैसे शादी हुई, फिर घर पे टाइम नहीं देना होता था, तो मैंने बोला कि अभी कुछ चेंज करना चाहिए। वो गर्लफ्रेंड के साथ ही हुई कि? हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ। यस यस, वो 700 रुपया, यस यस, दैट गुड क्वेश्चन, उनके साथ ही हुई। और आज 25 साल हो गए। आई हैव अ सन एंड वन डॉटर एंड वाइफ वन पेट, हिज नेम इज आकियो। गोल्डन रिट्रीवर डॉग है मेरा, बहुत ही अच्छा, एंड इज विद मी फ्रॉम लास्ट 5 years। माय सन इज शेफ, इज इन कनाडा, एंड माय डॉटर इज डूइंग आर्किटेक्ट। तो माय वाइफ इज वर्किंग एज अ सेल्स हेड इन इको होम्स गोरेगांव। तो फैमिली बहुत अच्छा, मस्त, सबका सपोर्ट मिला। और फोटोग्राफी से मुझे क्या मिला, मतलब आपने बोला ना कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिला, जैसे मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ तो फोटोग्राफी करता था मैं, वेडिंग्स में जाता था, स्पोर्ट्स करता था, सब, मतलब वर्सटाइल। स्टार्टिंग से ही मैंने एक जॉनर रखा था कि सब कुछ कर रहा है लेकिन फोटोग्राफी कर रहा है, और ये मेरा पैशन था। तो ये पैशन से मुझे एक क्लाइंट मिले जो आज 27 ईयर्स से मेरे साथ में कनेक्टेड है। मतलब उनकी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे था एंड आई क्लिक द बर्थडे पिक्चर्स, और आज उसकी डॉटर हुई, उसका बर्थडे का फोटो मैंने क्लिक किया, 27 ईयर्स। तो वो क्लाइंट इतने मतलब अच्छे थे कि जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह मार्केटिंग हुआ। ही टुक मी टू मानसरोवर, उनका एक ग्रुप था, बोले फोटोग्राफी के लिए चलना है तेरे को, एंड मैं गया उनके साथ में। मानसरोवर में हम लोग 36 लोग थे, क्लाइमेट वॉज सुपर, और फोटोग्राफर को अगर वो दिख जाता है स्वर्ग तो आप मानेंगे नहीं। 13 दिन था मैं, 24 आवर्स गले में मेरे कैमरा था, एंड आई टुक 7,000 पिक्चर्स, 7,000। -5 डिग्री था, रात को 2 बजे भी मैं क्लिक करता था, सुबह भी क्लिक करता था, और इतना पैशनेट हुआ, मतलब मस्त पिक्चर्स आए। तो जहांगीर में अगर हमको एप्लीकेशन करना है तो दे टेक 7 ईयर्स, मतलब आपको एप्लीकेशन करो उसके बाद टाइम मिलता है, जहांगीर में आपको परमिशन मिलता नहीं है। तो मेरे को पिक्चर्स उनको भेजे, उनको अच्छा लगा और उन्होंने मुझे स्लॉट दिया। 7 डेज मेरा एग्जीबिशन चला था 2014-13 में मैंने विजिट किया, और 14 में मुझे वहाँ पे एग्जीबिशन मिला। 480 फॉरेनर्स हैज विजिटेड, और उसमें से मेरे 3 पिक्चर्स सोल्ड आउट भी हुए, जिसके लिए भी मेरे को बहुत अच्छा। फिर उसकी उसी को देख के हमारा मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन और AIPTI करके एक एसोसिएशन है जिन्होंने नेस्को में हर साल फोटोग्राफी का 3 दिन एग्जीबिशन होता है, अब हम लोग शिफ्ट कर दिए BKC में। तो ये सारे जर्नी चलते रही, बहुत अच्छा स्कोप मिला। फिर MCF में भी मैंने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं, वेडिंग में वी डू, नाउ आई डू वेडिंग फोटोग्राफी ऑल्सो और इवेंट प्लानिंग ऑल्सो, पूरा मैं कंडक्ट करता हूँ। अब फोटोग्राफी कितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको एक बेसिक बताया। अब मोबाइल से फोटोग्राफी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमको उसमें डीप जाना पड़ेगा। लेकिन बेसिक है, 3 चीज़ होती है, कंपोजिशन, फ्रेमिंग और टाइमिंग शॉट्स। अगर हम मोबाइल से, कैमरा आपके पास है, यू कैन क्लिक गुड पिक्चर्स, लेकिन अगर हमको मोबाइल से क्लिक करना है तो जैसे हम मोबाइल को एम करते हैं, यानी कि हम पोर्ट्रेट करते हैं, तो जैसे क्लिक करने के 2 सेकंड पहले हमको सोचना है हमको क्या लेना है, दैट इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन। अगर हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, बिकॉज फोटोग्राफी में जो भी इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग, अगर हमारा टाइमिंग मिस हो गया तो पिक्चर विल हैव नो वैल्यू। तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपर्चर के बारे में सर ने बताया, व्हाट इज अपर्चर, अपर्चर इज लाइक आई। हमको कुछ चीज़ अगर एकदम नज़दीक से देखता है ना, व्हाट विल डू, हम लोग आँख को एकदम ऐसा बारीक करके देखते हैं, और कोई ज़्यादा लाइट में देखना है तो हम लोग एक्सपांड करेंगे, मतलब। तो अपर्चर भी वैसे ही होता है, वो रिवर्स चलता है, 2.8 इज अ क्लोजर और 16:18 इज अ हायर वर्जन। तो जैसे हमको फोटोग्राफी में भी सेम, कैसे कनेक्ट करना है अपने आप को, वो कैमरा प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस के सिवा नहीं होगा, एवरीथिंग विल रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। बिकॉज क्या होता है, हम लोग मोबाइल लेते हैं, उसका पोजीशन कभी कभी देखते हैं, कोई ऐसे पकड़ लेता है, कोई ऐसे पकड़ लेता है, इट्स हैविंग अ पोज, मतलब ये तुम्हारा 3 फिंगर्स ऐसे होना चाहिए, अब ये ग्राफिक, तो आपको ग्रिप मिलेगा। आप वीडियो भी ले रहे हैं तो कभी कोई ऐसा ले रहा है, कोई ऐसा ले रहा है, नो, यू शुड बी स्टेबल। तो उससे क्या होगा कि आपकी फ्रेमिंग अच्छी होगी, और पहले तो हमको विजुअलाइज करना है
कि हमको क्या चीज़ लेना है, कि हमको ये बोर्ड के साथ लेना है तो ऊपर के कर्टन कितने आने चाहिए, साइड का रेलिंग्स कितना आना चाहिए, तब जाके हमारे पिक्चर्स को वैल्यू मिलेगा। अब एग्जीबिशन में जो पिक्चर्स आते हैं वो कैसे होता है कि वो जज के सामने 2,000-3,000 पिक्चर आते हैं, लेकिन उनको वो पिक्चर पसंद आना चाहिए। तो इट शुड टेल अ स्टोरी। एक पॉइंट आपने बताया कि फोटोग्राफ में क्या होना चाहिए, तो फोटोग्राफ शुड हैव अ स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या, एक राइटर अपने हाथ से कलम से लिखता है तो स्टोरी क्रिएट करता है, लेकिन फोटोग्राफ से हम कैसे स्टोरी बताएंगे, क्या स्टोरी बताएंगे? तो उसके अंदर हमको डिटेलिंग आनी चाहिए, वो टाइमिंग पिक्चर्स आना चाहिए, वो लाइटिंग का, अगर हम सन को हमारे बैक से लेते हैं तो पिक्चर पे परफेक्ट इमेज आएगा, हम सन को हमारे फ्रंट से लेते हैं तो सिल आउट इमेज आएगा। कभी हम देखते हैं ना एक ब्लैक कलर का पिक्चर रहता है खाली, तो दैट इज़ कॉल्ड सिल आउट। तो अभी कैसा है कि जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको ईजिली हो जाएगा। तो अगेन एक बार बेसिक से स्टार्ट कर देंगे, अपर्चर, स्पीड एंड ISO, दिस आर द 3 legs ऑफ फोटोग्राफी। मतलब हमको 3 चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ISO जो लाइट्स कंट्रोल करता है, अपर्चर अगेन इट्स अ लाइट बट इन अ हायर साइड अपर्चर, उससे अपने को कितना एक्सपांड, कम चाहिए लाइट, ज़्यादा चाहिए, अगर हम सन में खींच रहे हैं तो हमारा एक्सपोजर कितना होना चाहिए, एंड स्पीड ऑफ द कैमरा, व्हेन वी आर शूटिंग रनिंग बाइक, हॉर्स, तो हमको क्या स्पीड रखनी चाहिए। जो हमारा कैमरा इनबिल्ट कंपनी देती है उसमें एक स्टैंडर्ड उनका स्पीड रहता है, 125, 5.6 इज द अपर्चर एंड 400 इज द ISO। लेकिन जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर इसमें से कितने को इंटरेस्ट है फोटोग्राफी, वेरी नाइस, तो मतलब वही बोल रहा हूँ, तो अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग प्रैक्टिस शुरू करो। फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास फोटोग्राफी में एक बात बताऊंगा ना, यू कैन स्पेंड 5-6 hours अ डे तो भी आपको कम पड़ेगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो। क्योंकि कैसा है कि एक सब्जेक्ट ले लो, एक खाली चींटी ले लो, चींटी एंट, मैंने एंट के पीछे 12 घंटे निकाले एक बार। और एक मुझे अवार्ड मिला था शू लेस के पिक्चर के लिए, लेकिन वो शू ले का पिक्चर ऐसा था, मैं आज प्रोजेक्टर नहीं है तो मेरे कुछ पिक्चर्स भी आज दिखा देता आपको। वो शू को मैंने रात को 2:30 बजे शूट किया था, मेरे बच्चे का शूज था वो, मतलब वो विंडो से लाइट्स आ रही थी, घर की लाइट्स कुछ आ रही थी, लेकिन वो शू का जो लेस था वो इट वॉज लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई बैठा है शू पे ऐसा। तो वो पिक्चर जब मैंने नॉमिनेशन के लिए भेजा और उन्होंने अवार्ड दिया, तो मैंने जो जज को पूछा था तो उन्होंने मुझे ये बताया कि दिस वॉज द रीज़न। तो मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा पहले तो, कि हम जाते हैं स्ट्रीट पे तो 12 बजे लाइट्स कहाँ होती है। कभी आप स्ट्रीट पे देखो कोई बैगर बैठा है, कोई बच्चा बैठा है, कोई डॉग बैठा है, उसके ऊपर लाइट्स कहाँ से गिर रही है, कौन से फ्लो से लाइट आ रही है। सेम चीज़ को आप एक वीक तक नोटिस करो, अगर कोई स्टैचू सब्जेक्ट है, मतलब कि एक स्टैंड है, तो वहाँ पे लाइट 12 बजे कैसी आ रही है, 2 बजे कैसी आ रही है, फिर हम लोग ये एंगल से लेंगे तो कैसा आएगा, ये एंगल से लेंगे तो कैसा। फर्स्ट थिंग इज विजुअलाइज, मतलब आपको आँख से फ्रेम बनाना है, उसके बाद फोटोग्राफी आएगी। जो भगवान ने हमको 2 कैमरे बहुत अच्छे दिए, दैट इज आइज, और 2 टाइप की मतलब ये होती है, दैट इज लाइटिंग, नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट्स में जैसे आप देखेंगे तो बल्ब हो गया, ट्यूब हो गए, फोटोग्राफी में फ्लैश हो गई, हैलोजन हो गया, और नेचुरल लाइट में सन, मून, स्टार एंड एवरीथिंग। सो अगर हमको सर ने ऐसे बोला कि अपर्चर खोल के लेना है, अगर मून लाइट में स्टार्स के पिक्चर हमको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन व्हेन वी ओपन द अपर्चर एंड हम लोग 20 स्पीड पे कैमरा को रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा अपर्चर खुल जाएगा और जितनी लाइट्स चाहिए उतना उसमें एंटर करेंगे। तो उसके टाइमिंग्स रहते हैं 6 of a second, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, तो उसका एक फिजिक्स है, उसको भी हमको कैलकुलेट करना है। बिकॉज फोटोग्राफी में कैसा है कि एम किया कर दिया नहीं है, यू हैव टू थिंक ओवर इट। अगर हमको हमारे पिक्चर्स अवार्ड के लिए भेजने हैं तो, अदरवाइज तो आप लोग निकालते हो ईजी है, लेकिन अगर हमको कुछ उससे अचीव करना है तो उसके लिए हमको ये सारी चीज़ सीखना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल मैं वर्कशॉप भी 1-to-1 भी करता हूँ, अगर किसी को वो भी करना है तो आई विल टीच बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। और अभी सीनियर सिटीजन की एक बात बोली थी कि क्या करना चाहिए, तो अभी तो बेस्ट टाइम है ये, अगर हाथ पैर स्ट्रांग है और कर सकते हो तो आप फोटोग्राफी ज्वाइन करो, यू कैन अर्न 10,000 rupees पर डे। अभी का जो एरा चल रहा है ना, और लेडीज लोगों के लिए तो बहुत स्कोप है, अगर आपके बच्चे लोग भी है, आपको नहीं करना है लेकिन आपके साथ में आप खाली गाइड करके भी उसको सीख के करोगे ना, तो इट विल
गिव यू अ गुड अर्निंग ऐसा हॉबी हॉबी के लिए तो बोल रहा हूँ ना कि आपको चार घंटे इवन एक पत्ते को लोगे आप चार घंटे निकाल सकते ओनली अ लीफ क्योंकि लीफ को आप लाइट के अगेंस्ट देखोगे ना तो उसकी स्ट्रीम्स उसके अंदर से कलर्स और लीफ को आप पानी के अंदर रखोगे तो उसका कलर्स बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि आपको खाली थिंक सोचना है हमारा विजन खोलना है विजन खुल गया ना फोटोग्राफी में नो एंड और स्काई इज द लिमिट कोई थंब रूल ऐसा नहीं है कि आपको ये करोगे तो ऐसा होगा यू क्रिएट योर रूल्स आप रूल्स ब्रेक भी कर सकते हो और रूल्स होते ही ब्रेक करने के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि रूल्स होते ही ब्रेक करने के लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो अगर हमारे घर पे कुछ फंक्शन है आप लोग मोबाइल से शूट कर सकते हो फिर मोबाइल के अंदर इतने इजी सॉफ्टवेयर आ गए आप उससे एडिट कर सकते हो आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांगली हाई गया है कि यू कैन अर्न ऑल्सो यूट्यूब से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो इंस्टाग्राम से आप कर सकते हो सभी सीनियर सिटीजन को मैं बोलता हूँ आप लोग मोबाइल को बराबर यूज़ करो खाली भगवान का सुनो या ऐसा कुछ नहीं सारे चीज़ पे एडवांस हो जाओ थोड़ा नॉलेज ले लो थोड़े वर्कशॉप्स कर लो उससे क्या होगा कि आपके बच्चे आपको वो नहीं कर सकेंगे कि भाई ये क्या है कर रहा है आप एडवांस रहोगे क्योंकि जितने पेरेंट्स एडवांस रहेंगे बच्चे को उतना वो रहेगा कि चलो हम लोग भी एक्टिव हो जाएंगे तो इस तरह का स्टार्टिंग फोटोग्राफी के लिए आपको करना है जितने को भी वर्कशॉप करना है तो मैं उसका वर्कशॉप करवाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग उसके लिए भी अलग सेशन विद ये करेंगे क्या बोलते हैं लाइव हाँ मैं आपको कैमरा कैसे ऑपरेट करना है फिर कैमरे के अंदर के इन आउट्स उसके ट्रबल शूटिंग सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं बहुत ईजी है दूसरा बेसिकली आज जो सीखना चाहते हैं उसके लिए मोबाइल के कुछ टिप्स मैं दे दूँ क्योंकि आप कैमरा लेंगे फिर करेंगे तो मोबाइल को जैसे हम लोग होल्ड करते हैं अभी आप लोग निकालो मोबाइल निकालो सब लोग तो आपको एकदम इजी हो जाएगा मोबाइल के अंदर जैसे हम लोग ओपन करेंगे ना तो ऑप्शन आता है नाइट मोड वीडियो मोड फोटो पोर्ट्रेट एंड मोर हम लोग को बेसिक तो पहले फोटोज पे जाना है फोटो मोड ओपन किया सबने जैसे फोटो मोड करेंगे तो एक सामने डिस्प्ले वाला आ जाएगा और उसके रिवर्स करेंगे तो सेल्फी मोड हो जाएगा सेल्फी मोड तो सबको मालूम है लेकिन वर्कआउट करना है किसी का पोर्ट्रेट तो हमको फोटो मोड पे करना है जैसे फोटो मोड ओपन किया तो आपको होल्ड ऑफ द कैमरा मतलब हॉरिजेंटल या वर्टिकल दो ऑप्शन रहता है अगर हमको पोर्ट्रेचर लेना है सिंगल फोटो खाली फेस का तो यू शुड गो वर्टिकल वर्टिकल लेने के बाद में उसके अंदर एक स्क्वायर जो रेक्टेंगल दिखता है उसमें रूल ऑफ थर्ड फॉलो करना है रूल ऑफ थर्ड फॉलो करने का मतलब कि आपको कैसे फ्रेमिंग कर रहे हो तो अगर हमको पिक्चर में दो जन है तो ऊपर से हेड कट के ऊपर चार फिंगर का स्पेस रखना है फोर फिंगर्स जैसे हम लोग फ्रेमिंग करते हैं तो हटने के ऑप्शन अभी सर की पिक्चर लेना है मेरे को तो ये फ्रेमिंग होता है मेरा पोर्ट्रेट बोले ये पासपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं आप नॉर्मली अब ये पिक्चर करेंगे दिस बस मोड तो इसमें आपको कैसा होगा कि बॉडी का कुछ पार्ट कट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी ये हमने देखा ये फर्स्ट एंगल स्ट्रेट हमारा जो पिक्चर हो गया अभी सेम चीज़ इनको थोड़ा मैं बोलूँगा थोड़ा टर्न हो जाओ सर थोड़ा टर्न हो गए अब उनका बॉडी लैंग्वेज टर्न हो गया सर थोड़ा फेस से सेट करो अब ये फेस किया तो ये जैसे कि हम लोग शादी के लिए प्रपोजल के लिए फोटो भेजते हैं किसी के पोर्ट्रेट खींचते हैं तो पोर्ट्रेट शूट भी आपको फॉलो करना है पेंटिंग पेंटर्स जो थे उनके पिक्चर्स देखो आप लोग मैगजीन में आते हैं तो कोई ऑफिस के सीईओ के पिक्चर्स देखो कभी भी ऐसा स्ट्रेट पिक्चर्स नहीं रहेगा वो थोड़ा प्रोफाइल पिक्चर रहेगा उससे क्या होगा एक फील आएगा पोर्ट्रेचर मतलब एक पेंटिंग वाला फील आ जाएगा अब वो लेने के बाद में आपको अगेन उसके अंदर उसके आईज अगर मोबाइल में हमारा टाइमिंग का शॉर्ट्स क्लिक नहीं होगा बराबर तो उसकी आई ब्लिंक्स होगी तो वो टाइमिंग देखना है कई बार आपने देखा अरे आँख बंद आ गई तो ये चीज़ बहुत फॉलो करना है कि आँख बंद नहीं आना तो हमारा टाइमिंग कोई खा रहा है समझो सपोज एंड इफ यू आर टेकिंग द पिक्चर ऐसा आ गया तो पिक्चर का कोई वैल्यू नहीं है शूट मतलब उसके मुंह में चला गया उसके बाद पिक्चर तो अच्छा लगेगा केक कटिंग आप बर्थडे पे जा रहे हो ब्लो कर रहा है अगर वो कैंडल ब्लो हो गई आपका पिक्चर क्लिक नहीं हुआ तो कोई वैल्यू नहीं है वो ब्लो हुआ और कैंडल का बुझना और वो धुआं निकलना दैट विल क्रिएट अ स्टोरी
तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि इसने फूक मारा और वो धुआं निकला, नहीं तो बुझ गया और उसके बाद क्लिक हुआ तो टाइमिंग पिक्चर आपका चला गया। तो इट विल रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिस। सेम चीज शादी में गए, हार पहना रहा दूल्हा दुल्हन, हार पहना दिया नो मतलब, टाइमिंग हार का आना उसको परफेक्ट जाना, तो इट विल रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिस। वो करो, मैं तो बोल रहा हूँ घर पे भी, आप भले वाइफ के पिक्चर्स खेलो, आप हस्बैंड के पिक्चर खेलो, घर पे बैठो फैमिली पिक्चर्स लो, तो क्या होगा, इट विल आपका एक प्रैक्टिस बढ़ जाएगा और जैसे प्रैक्टिस होगा इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा आप उसके बारे में, गूगल गुरु सबसे बेस्ट है, सीखो उससे, पॉइंट्स लो, गूगल पे जाओ सर्च करो, आपको सारे पॉइंट्स बहुत इजीली मिल जाएगा। 1826 में स्टार्ट हुआ, 1861 में कलर का हुआ, 75 में मोबाइल का इन्वेंशन, तो अभी और कुछ नया आएगा, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक था, अभी इंस्टाग्राम पे पब्लिक पागल है, और रील्स, आज रील्स बनाने के लिए इतना पब्लिक पागल है, अगर मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग सीनियर सिटीजन, अभी इसमें से कोई भी एक वॉलंटियर खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ कैसे बना, कोई भी एक आ जाओ मेरे पास, मैं बताऊँगा, आई शो एनीबडी कैन कम, आ जाओ आपका मोबाइल लेके आओ, या प्लीज वीडियो मोड में जाइए, ये ऑल्सो गो, दो रील्स बनेगी आज। या प्लीज थ्री कहाँ पे, नहीं नहीं सिंगल कैमरा इज इनफ, वॉल्यूम आएगा ना ऑडियो, हाँ वीडियो मोड पे गए आप। अभी हम लोग कहाँ पे आए हैं, MCF या ओके 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 नो प्रॉब्लम। हाँ वीडियो मोड पे गए, सी फर्स्ट थिंग है ना, ये जो कवर ये सब रहता है ना, दैट इज द सेफ्टी, लेकिन जब हम लोग शूट कर रहे हैं ना तो क्या होगा, कंफर्टेबल होना चाहिए आपको, तो अगर निकाल देंगे तो आपको बहुत इजी हो जाए। मैं टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, हाउ टू गिव अ गुड पिक्चर्स एंड गुड। अब देखो ये अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे वीडियो मोड पे गए, वेयर वी हैव कम MCF, अगर हम लोग ये यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और पोस्ट कर देंगे, हाउ पीपल विल कम कि हम लोग MCF में, तो क्या होता है, फर्स्ट MCF लिखा हुआ है, तो हमारा ये वीडियो मोड पे गए, हमने वीडियो स्टार्ट किया MCF से, ये MCF का रील स्टार्ट किया, उसके बाद हमारा ये पिक्चर आया, यहाँ से MCF का हमने सराउंडिंग दिखाया, हम कौन से प्रोग्राम में हैं, हैप्पीनेस, तो हमने हैप्पीनेस को कवर किया, हैप्पीनेस के बाद में कौन है डाइस पे, दो लोग डाइस पे, तो हमने डाइस के लोगों को बताया, उसके बाद में फैकल्टी कौन है, तो हमने फैकल्टी को बताया, फैकल्टी के बाद में हमारे क्राउड में जेंट्स एंड लेडीज है, तो पहले हमने लेडीज पे किया, अगर जेंट्स है तो लेडीज जेंट्स पे गए, फिर हम लोग स्टेज पे आए, हमने स्टेज के मॉन्यूमेंट रखा है, तो मॉन्यूमेंट का एक शॉट ले लिया, ये सारी चीज हमने कवर की। अब रील्स जब होता है ना, इट इज एक्सटेंड टू 30 सेकेंड, तो आप एक 30 सेकेंड का रील बनाओ, मैंने आपको बताया क्या क्या लेना है, तो ये स्टार्ट विद इट। अब वीडियो मोड में क्या होता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते कट करने को, हम लोग रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, फिर पिक्चर बन जाती है हमारी 2 मिनट की, वो ना पोस्ट होती है ना कहीं पे जाती है, और हमने किसको भेज दिया तो उसमें हिल रहा है कैमरा, हाथ आ रहा है, तो इंटरेस्टिंग नहीं है, स्टोरी नहीं है, और पब्लिक को क्या लगता है यार कहीं नीचे कट कर दो, देखता नहीं है लोग, पब्लिक देखती कब है, हम लोग रील्स देखते हैं, क्यों देखते हैं, एक के बाद एक तुरंत आता है, तो इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये चीज़ कैसे इंटरेस्टिंग बनाने का मैंने आपको बताया। तो अगर ये गए आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, यहाँ से ये ऊपर स्टार्ट किया फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे एक पॉज का बटन देगा, तो हमको वीडियो को पॉज करना है, यस, तो क्या होगा, आपका वीडियो वहीं से कंटिन्यूटी होगा, आपने विजुअलाइज करना है, हमको शॉट जो भी शूट करना है ना, उसके पहले एक विजुअलाइज करना है कि मुझको आज ये प्रोग्राम शूट करना है, ये प्रोग्राम में मैं कहाँ आया हूँ, MCF, MCF का मैंने शॉट ले लिया, MCF के शॉट के मैंने हैप्पीनेस ले लिया, हैप्पीनेस के बाद में मैंने गेस्ट ले लिया, जो गेस्ट है उसका ले लिया, फिर मैंने जो मेरे फ्रेंड्स है उसका ले, अब इंटरेस्टिंग और क्या है, तो मुझे लगा ट्रॉफी लेना है, तो अगेन मैंने ट्रॉफी ले लिया, तो एक 30 सेकेंड में हमारी रील्स तैयार हो गई। या डेफिनेटली उसमें आप रिकॉर्डिंग मोड पे जाओगे तो उसमें काफ़ी ऑप्शन है, वो 2 मिनट 3 मिनट तक, लेकिन जब हम लोग उसको भेजेंगे किसी को पोस्ट पे शेयर करेंगे तो वो जाएगा नहीं, या तो फिर वो बफरिंग करेगा, आपको नेट पे जाना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स की रील फास्ट चले जाएगी, और उसमें हम लोग को एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है, VN करके एक ऐप है, उसमें आप चले जाओ, उसमें यू कैन ऐड योर म्यूजिक, यू कैन ऐड योर टाइटल,
आपने पूरा फिल्म बना दिया, भेज दिया, जो आपको जानते हो नहीं जानते बोले किसने बनाया, हाउ पीपल विल नो, तो वहाँ पे नीचे टाइटल आना चाहिए फिल्म बाय सो एंड सो, क्या नाम आपका, नीचे लिखा होगा फिल्म बाय दीप्ति जोशी, हाउ पीपल विल नो हैप्पीनेस पे दीप्ति जोशी, नेक्स्ट टाइम दीप्ति जोशी आप ही फिल्म बनाओ, तो यू विल गेट मोर इंटरेस्ट और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। फिर इसी के अंदर देखना है कौन ब्यूटीफुल है उसका मैंने ज़्यादा ले लिया, कौन ज़्यादा हंस रहा है उसका मैंने ज़्यादा ले लिया, ये विजुअलाइज नोटिस करेंगे ना तो यू कैन टेक पॉज कर दो उसको, कट करके वो करो, अगर एडिट नहीं करना है तो यू पॉज द वीडियो एंड इफ यू वांट टू एडिट तो फिर तुमको आराम से लंबा लंबा लेके करो, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, ये कैसा एकदम शॉर्ट फटाफट हो जाएगा। हाँ मैं तो करूँगा, मैं एक और भी अभी करूँगा, डॉक्टर त्रिवेदी जी है वन ऑफ माई क्लाइंट ऑल्सो, और वो थैंक यू सर फॉर कमिंग, उनके पूरे फैमिली में लास्ट 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, यस उनके सन डॉटर्स उनके इन लॉज सबके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, थैंक यू सर। तो एंड आवर नेबर मिस्टर श्याम भाई पटेल इज ऑल्सो देयर, हमारे एरिया में मेरे स्टूडियो के सामने ही रहते हैं, थैंक यू श्याम भाई। तो लोग बहुत साल से जानते हैं मेरे को, तो और भी अच्छी तरह से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, और मेरे कुछ पिक्चर्स हम लोग देखेंगे, मेरी यूट्यूब चैनल है दीपल ठाकुर .com करके, और उस पर भी आप जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है दीपल ठाकुर शादीग्राफी डी शादीग्राफी एंड दीपल ठाकुर _16, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगा तो सर विल सेंड यू। अब अवार्ड्स जो मिले, तो एक अवार्ड मिलने के बाद वो अवार्ड को बंद नहीं करना है, उसके बाद नेक्स्ट, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अगर वो अवार्ड को सस्टेन रखने के लिए दूसरा नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे चार जॉनर में मिला, मतलब एक स्टील लाइफ में मिला, फिर बेस्ट व्यू का मिला, निशलैंड जो है वाटर पार्क उसका मुझे बेस्ट व्यू अवार्ड मिला था, वेडिंग अभी मुझे कोविड में एक अवार्ड मिला प्रॉमिसिंग फिल्म मेकर करके, वो क्या हुआ था जब कोविड का टाइम था, तो आई वॉज हैविंग अ मीडिया कार्ड, तो मैंने पूरा कोविड घूम के निकाला है, आई यूज टू रोम, मतलब जाता था सब जगह पे शूट करके आता था, किसी को हेल्प करना है, किसी को फूड रेट पहुँचाना है, ये वो सब मैंने किया है कोविड में बहुत अच्छी तरह से। तो वो जब फर्स्ट वैक्सीन लिया उसके 6 डे को मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मेरे को भी हो गया कोविड, आई वॉज वरीड, लेकिन दवाई वगैरह ली, तो मैंने बोला अभी फोटोग्राफी का पैशन इतना था, मतलब करना क्या है, तो मैंने कोविड में मेरे पे एक फिल्म बनाई, आई शूट एड मोबाइल, और उसका एक कॉम्पिटिशन हुआ था कोविड के टाइम पे 2021 में, मैंने सबमिशन किया और दे पीपल गिव मी द अवार्ड, क्योंकि उसमें मैंने हाउ टू गेट क्वारंटाइन करके पूरा फिल्म बनाया था, वो भी मैं फिल्म भेज दूंगा। प्लस मैंने 5 कुंभ मेले कवर किए हैं, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, और अभी वापस होगा, तभी भी मेरा प्लान है जाने का। एंड फोटोग्राफी का पैशन ऐसा है कि मैं जहीं पर भी जाता हूँ आई गो अलोन, उसका एक रीज़न है कि अगर हम लोग कुंभ मेला और ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे हमको कुछ भी कंफर्टेबली मिलता नहीं है, तो अगर कोई साथ में है, क्योंकि मैं 4 बजे उठ के भी चला जाता हूँ बाहर, अभी प्रयागराज जब किया था मैंने 4-4 बजे जाके फोटोग्राफी की है, मेरी पूरी फिल्म है यूट्यूब पर, तो वो पैशन, और वहाँ पर इतना क्राउड था कि आपको खाना टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर कोई साथ में है ना तो आपको वो कर देगा, डिमोटिवेट करेगा कि भाई रुकना, उठने देना, थोड़ी देर के बाद जाते हैं, तो हमको वो जो चाहिए नहीं मिल पाएगा। तो फोटोग्राफी में कोई कंपेनियन नहीं चाहिए, क्योंकि कैमरा इज अ कंपेनियन, अगर आपको पैशन है तो यू कैन डू एनीथिंग, स्टार इज द लिमिट, मतलब आपको जो करना है कर सकते। फिर मैंने गिरनार के मेले में नागा साधु शूट किए हैं शिवरात्रि के मेले में, मार भी खाया है क्योंकि वो लोग अलाउड नहीं करते, वो लोग को फोटोग्राफी कर तो पहले तो गाली से बात करते हैं, तो मैंने अपने पूरे बाल तभी बढ़ाए थे वो कवर करने के लिए, पूरा मेरे बाल में जटा हो गई थी, मैं भेजूंगा फोटो। फिर वो नागा साधु के साथ में रहा हूँ, उनके हाँ उनके साथ में पूरा वो बहुत टफ है, नागा साधु शूट करना इज वेरी टफ, क्योंकि वो लोग जरा भी सुनते नहीं है किसी का, पुलिस वाले भी डरते हैं उनसे, पुलिस वाले भी डरते, तो
बहुत अच्छा जर्नी रहा मेरा, और आगे भी मेरा एक फ्यूचर प्लान है कि मुझे बच्चों को, मतलब टेंथ के बाद करियर फोकस जो होते बच्चे लोग, तो जैसे IIT करते कोई दूसरे उसमें जाते हैं, मुझे एक फोटोग्राफी का इंस्टीट्यूट खोलना है और वहाँ पे मैं उनको कुछ फीस तो लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या उसका वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उनको मुझे ट्रेन करना है और इंडिया में बहुत टॉप लेवल पे ये इंस्टीट्यूट को लेके जाना है। दिस इज माई पैशन कि मुझे ये फोटोग्राफी को, ये जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए और बहुत मेहनत, क्योंकि अभी I'm 51 और भी बहुत टाइम है अपने पास, और एज इज द लिमिट, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। तो आगे वाले टाइम में भी आप लोग को मेरा कोई भी सर्विस चाहिए, आप लोग से कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। और थोड़ा आज मैं घाई पे हो गया, मेरे दो फंक्शन चल रहे हैं यहाँ पे, एक मिट्टी स्कूल में है, तो मुझे दोनों जगह थोड़ा अटेंड करना पड़ेगा। सर को कमिटमेंट था इसके लिए मैंने ना नहीं बोला, मैं वेलकम, और MCF था इसके लिए मैंने चलो बाजू में ये फंक्शन तो अटेंड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। हाँ, और एक मेरा दूसरा ये 24th January के आजू बाजू में एक प्रोग्राम आ रहा है, करो के सिंगर ऑफ द ईयर करके मैं एक पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इवेंट प्लानिंग करता हूँ, तो मेरा एक इवेंट, आई वर्क फॉर डेल, ओम साई और नीता ट्रावेल, ये सारे सर मेरे क्लाइंट्स हैं। तो मैं करोके के लिए एक करोके ऑफ द सिंगर ऑफ द ईयर करके, उसमें 100 पार्टिसिपेंट रहेंगे और प्रबोधन मेन में हमारा शो होगा, और जजिंग के लिए भी मैं इंडस्ट्री के जो अच्छे सिंगर्स वगैरह हैं उनको लेके आऊँगा। अब हार्ट जस्ट मैंने शर्मन जोशी 3 Idiots उनका एक एड फिल्म शूट किया मोटो ऐप कर, मोटो पे करके, वो आ जाएगा अभी थोड़े दिन में। और सेलिब्रिटीज में तारक मेहता सारे सबको शूट करता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको भी कभी भी, और ऐसा नहीं है कि बड़े क्लाइंट, कोई छोटे से छोटे क्लाइंट भी मेरे लिए भगवान है। तो आई विल वर्क, कोई भी आपके घर पे एनी फंक्शन हो, अगर आपको फंक्शन नहीं है, कुछ टिप्स लेना है, देन ऑल्सो यू कैन कॉल मी, मेरे ब्रोशर और संजय कार्ड में दे देता हूँ आप लोग को, तो आप लोग प्लीज़ कॉन्टेक्ट करिए एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, प्लीज एनी क्वेश्चन आप पूछे ना, नो प्रॉब्लम। करोगे के लिए? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट मोड दिया है प्रो, जैसे प्रो क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे अपर्चर स्पीड प्रो ऑप्शन आएगा, प्रो। तो प्रो में फर्स्ट वाला है ISO। व्हाट इज ISO? ISO मतलब कि मैंने बताया आपको 250, और जैसे उसके अंदर जो लाइट कम ज़्यादा करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज स्पीड, हमको स्पीड बढ़ाना कितना है, 50 इज द स्टैंडर्ड स्पीड। फिर उसको अगर स्पीड आपको पानी के ड्रॉपलेट शूट करना है तो 400 स्पीड पे आप करो। आपको सोडा बोटल करना है, ओपन हो रहा है, शैंपेन ओपन हो रही है, तो वो सब 400 पे करेंगे। तो लेकिन फोटोग्राफी वर्क्स ऑन 3 legs, ISO, अपर्चर एंड स्पीड। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन यू हैव टू लर्न, कि अगर हमने ISO बढ़ा दिया तो लाइट बढ़ जाएगा, हमने स्पीड बढ़ाया तो स्पीड बढ़ जाएगा, हमने अपर्चर बढ़ाया तो अपर्चर बढ़ जाएगा, लेकिन वो तीनों को मिक्स एंड मैच करके करना है। कि अगर हमारा डे लाइट है फुल सन तो 16 का अपर्चर जाएगा, हमारा स्पीड जाएगा तभी 250 400, हमारा ISO जाएगा तभी 100। तो ये चीज़ का एक कॉम्बिनेशन थ्रियों का होगा तो ही एक्यूरेट पिक्चर हमको मिलेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें दिया है फोकस इफेक्ट का पॉइंट्स है, वाइट बैलेंस। व्हाट इज वाइट बैलेंस एनीबॉडी? वाइट बैलेंस मतलब कलर के जो है, हमारा जब भी रूम टेम्परेचर रहता है तभी 2800 यानी ब्लू, हमको जब भी ब्लू स्काई चाहिए, हम लोग फोटो निकाल लेते हैं तो क्या होता है ब्लू स्काई नहीं आता है, तो वाइट बैलेंस के हिसाब से, तो वाइट बैलेंस हमने एक्यूरेट रखा तो हमको ब्लू स्काई मिलेगा। फिर हमको वार्म येलो और लाइट ज़्यादा है तो उसको कट करना है तो हमको 3.5 के नीचे आना है, अगर वार्म बढ़ाना है तो 3.5 के ऊपर जाना है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे, आप मोबाइल में है आपके पास, यू कैन प्रैक्टिस, भले 50 पिक्चर क्या होगा, फिर डिलीट, अच्छा लगा उसको सेव। तो ये प्रो में जाएंगे तो आपको सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ये ब्लैक
ब्लैक एंड व्हाइट कैसे देते? या ब्लैक एंड व्हाइट के लिए भी उस पर फिल्टर्स दिए हैं, जैसे आप फोटो क्लिक कर लो उसके बाद में एडिट के ऑप्शन में जाओ तो वहाँ पे आपको फिल्टर्स लिखा होगा, फिल्टर्स सैचुरेशन, सैचुरेशन यूजीस, तो उसमें आपको उसको कलर्स कम ज़्यादा करेंगे ना तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मोड हो जाएगा। या डेफिनेटली मैं ब्रोशर ग्रुप में डाल दूंगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मिरर इमेज लेते हैं, फिर डबल एक्सपोजर बोलते हैं इसको। हाँ, वो डबल एक्सपोजर को आपको ट्रेन मतलब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आई थिंक वी विल हैव टू अरेंज स्पेशल वर्कशॉप करेंगे इसके लिए। यस यस करेंगे। आज कैसे एक जनरल इंट्रोडक्शन था तो इसके लिए मैं ज्यादा वो नहीं बता पाऊंगा। हां हां, तो दीपल हैज गॉट अ प्रोग्राम टुडे एट एमसीएफ और लास्ट टाइम लगने वाला था इसलिए हम लोग ने विदाउट पावर पॉइंट किया। और जब हमें पता चला कि आज एमसीएफ में किधर भी जगह नहीं है तो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो हम लोग एमसीएफ मैनेजमेंट के इंटरेक्शन इतना कर रहे हैं तो वी आर सो थैंकफुल दैट उन्होंने ये ओपन एयर थिएटर दिया। और हम लोग 4:30 बजे मैं और अहमद भाई इधर हाजिर थे और सिर्फ 10 लोग आए थे 5:15 बजे तक, तो जरा टाइम पे आएंगे, डिसिप्लिन की बात की तो हमको व्यवस्था में सुविधा रहेगी। पूरा घूम के आए हैं। हाँ, पूरा एमसीएफ का 5 एकड़ 5 मिनट में घूम सकते हैं। मैंने आज 4:30 से 5:15 तक इधर राउंड लिए क्योंकि मेरा वॉकिंग का कोटा पूरा नहीं हुआ था। सो नाउ इट्स टाइम दैट आई कॉल अपॉन, वी आर सो ग्लैड दैट लोगों को अल्जाइमर डिमेंशिया क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी हॉबी डेवलप कीजिए। एट द एज ऑफ 75 ऑल्सो डॉक्टर वसंत खट्टा, अ वेरी सीनियर मोस्ट डॉक्टर ऑफ द कंट्री इज स्पेंडिंग टाइम विथ अस, वॉट एल्स वी कैन हैव टूडे। सो आई कॉल अपॉन वसंत भाऊ टू हैंड ओवर अ शॉल ऑन बिहाफ ऑफ हैप्पीनेस टू दीपल। Thank you, Dr. Vasant Bhau. Or now I request this thing, unke client, Dr. Jain Trivedi, jara phone rakh dijiye. Trivedi sir, please come over here and give the 17th award. Also, he's a client and he was my patient when he was childhood. Yeah. Now he has sent his residence. Hey, ek minute, Anna par bolo. Anand, bolo. बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट चालू करो। अच्छा, माइक कैसे यूज करना वो भी हम लोग रखेंगे। इधर आके सीखना पड़ता है सब। डिंपल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एडवेंचर्स प्रोग्राम जो आप इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आप उसमें सक्सेस रहे, ये हमारे पूरे हैप्पीनेस फाउंडेशन की ओर से ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और नाना साहब विल हु हैज कम स्पेशली, ही वाज नॉट सपोज्ड टू कम बिकॉज बहुत टाइड अप है, ही विल हैंड ओवर अ फ्लावर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर एंड विल टेक दिस प्रोग्राम फर्दर। We'll take up the matter with the MCF management and we'll certainly have jisko bhi interest hai photography sikhne mein, we'll have at a very very minimal possible cost pe
हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे इफ देर आर सफिशियंट नंबर ऑफ पर्सन, दैट इज अवर गारंटी. या सो सर्टनली विश यू ऑल द बेस्ट. जाने से पहले एक ही बात, मेरे को एक शायरी आ गई कि फोटो मेरा खींच रहे हो, फोटो मेरा खींच रहे हो, हृदय गली को सींच रहे हो, फोटो मेरा खींच रहे हो, हृदय गली को सींच रहे हो. लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, एक आंख क्यों मींच रहे हो. फोटोग्राफी में एक पावर क्या है ना, मैं आपको एक वन लाइन में बता देता हूँ. आप नरेंद्र मोदी को खड़े कर सकते हो. अगर हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, अगर किसी भी कोई भी वीआईपी हो या छोटा, आप अपने आप अगर कैमरा आपके पास है ना, आप बोलेंगे सर आप थोड़ा इधर हो जाओ, वो हट जाएगा. तो फोटोग्राफी में इतना पावर है. You can move anybody. बैठ जाओ बोले तो बैठ जाएगा. Even wife also. Yeah, anybody. तो ये फोटोग्राफी का पावर है. अभी एग्जांपल है, आपने पंकज भाई को खड़े कर दिया. Yes, thank you so much. I'll take your leave. अगली बार मिलेंगे. Thank you very much. एक मिनट, on a lighter note, एक बार कोई सेलिब्रिटी था, उनका ऑटोग्राफ लेने में बड़ी लाइन लगी थी. एक आदमी बीच में चला गया क्योंकि उसको बाहर लेना जाना था. तो वो आदमी इतना परेशान हो गया कि वो ऑटोग्राफ देने के बदले उसने डोंकी का चित्र बना के उसको दिया. तो वो आदमी भी इतना ह्यूमरस था, तो उसने बोला कि सर इज इट योर ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ. ये ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ जिसको समझ में आया वो अभी हंसेंगे, बाकी के लोग रात को 2 बजे हंसेंगे. आँख मारते हैं उसके एक मिनट. श्याम भाई भी उनके काफी दोस्त है. हेलो, वरिष्ठ नागरिक में उनका प्रोग्राम कीजिए. यस यस करेंगे. आंखें बहुत मारते हैं ने? आपकी आंखें वो बड़ी प्यारी जो बार बार आपने मारी थी. हमें कहां पता था कि आपको बाबा रामदेव की बीमारी थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच दीपल. क्योंकि हम लोग के हैप्पीनेस में लोग आते हैं वो